देखते हैं। चलिए एक बार फिर से आपको सीधा विधानसभा लेकर चलते हैं, जहां पर प्रश्नकाल की कार्यवाही चल रही है। सरकार द्वारा मनोदित किया जाना है खंड 3 जी नहीं, रेड लैंड का चयन कर विकास करने की विभाग की कोई योजना नहीं है। जिला कलेक्टर्स द्वारा आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के तहत इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा प्रकाशित नेशनल वेटलैंड एटलस में से धारित डेटा अनुसार प्रदेश के हर जिले में वेटलैंड्स को चिन्हित किया जाना है एवं प्रबंध योजना तैयार की जानी है। आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार वेटलैंड्स का विकास संबंधित स्वामित्व वाले विभाग द्वारा आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के तहत किया जाना है। खंड 4 वेटलैंड ऑथोरिटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा कई वेटलैंड जैसे कि सांबर झील, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, बरथोर, चंदलाई जयपुर, परखेड़ा जयपुर, आना सागर अजमेर, नक्की झील माउंट आबू, फतेह सागर एवं पिछुला झील उदयपुर, कायलाना जोधपुर इत्यादि का निरीक्षण किया गया है। इन वेटलैंड्स के संबंध में जिला कलेक्टर्स एवं संबंधित स्वामित्व वाले विभागों से चर्चा कर उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। बात इसकी बैठकें कब कब हुई और इस अथॉरिटी में गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन कब तक कर लिया जाएगा? प्रबंध योजना वेटलैंड के बारे में कब तक तैयार कर ली जाएगी और वेटलैंड पर जो पक्के निर्माण हैं उनको हटाने के बारे में आपकी क्या कार्य योजना है? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 26/9/17 के प्रावधानों के तहत 27/11/19 को प्रदेश में राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन किया गया है। अथॉरिटी के तहत जो सदस्य नॉमिन करने गैर सरकारी सदस्य उनका अभी तक नॉमिनेशन नहीं किया गया है और ये जल्दी मुख्यमंत्री जी के स्तर से इनका नॉमिनेशन किया जाना है। प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी को भेज दिए हैं, जल्दी उनका नॉमिनेशन हो जाएगा। ये मैंने पूछा है कि ये आपने कहा है कि प्रबंध योजना तैयार की जाती है, तो प्रबंध योजना कब तक तैयार कर ली जाएगी और वेटलैंड पर जो पक्के निर्माण है उनको कब तक हटाया जाएगा? जो वेटलैंड है उसका चिन्हीकरण कर लिया गया, कलेक्टर से उसके द्वारा रिपोर्ट मंगा ली गई है, उसमें इसरो के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट है उसके अनुसार राज्य में 46,748 वेटलैंड्स है कुल, और उसमें से 2.5 एकड़ से ज्यादा के वेटलैंड्स है 12,625 है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इस प्रकार जहाँ भी कहीं अगर वेटलैंड्स पे कोई अतिक्रमण है पहले से तो कलेक्टर्स को इसके लिए निर्देश देंगे। वैसे जिस विभाग का अलग अलग जो भी स्वामित्व है वो विभाग ही इसकी कार्य योजना करेगा, ये विभाग तो सिर्फ मॉनिटरिंग का काम करेगा, जो उस पर काम करना है वेटलैंड्स पे। पिछले यार फतेह सागर में ये प्रतिभा लगाना का प्रश्न है, ये अलग प्रश्न है, इसके मेरे में अभी जवाब नहीं दे सकता। अगला प्रश्न गोपाल शर्मा, श्री गिरधारी लाल, प्रश्न नंबर 313, खंड 1 जी हाँ, खंड 2 जी हाँ, विभाग द्वारा राज्य सरकार के स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया जाकर निजी फिटनेस सेंटरों के अनुचित व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा को रोकने, उनके आर्थिक व्यवहारिता को सुनिश्चित करने एवं वाहन स्वामियों की सुविधा एवं सुगमता के उद्देश्य से दिनांक 4/6/2021 को अपने आदेश 9/2021 क्रमांक F7/
53 ब्रैकेट बंद FC /nm/2020/9639 द्वारा पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को फिटनेस नवीनकरण हेतु आवेदन उस राजस्व जिले में जहां वाहन पंजीकृत हैं या वाहन स्वामी ने खंड 3 वर्तमान में आदेश नीतिगत निर्णय लिया जाकर निजी फिटनेस सेंटरों के अनुचित व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को रोकने उनकी विज्ञान का विकास इतना हो गया था, एक जिले के का दूसरे जिले में भी था, अब तो राजस्थान में कहीं भी फिटनेस हो सकता था और अब ऑनलाइन जमाने में मालिक राजसमंद से बीकानेर खाली गाड़ी लेकर आएगा तो धन और समय का नुकसान भी होगा, वाहन मालिक के हित में कैसे होगा? अध्यक्ष महोदय, सरकार ये बताए हैं अगर सरकार निजी फिटनेस सेंटर की प्रतिष्ठा को रोकने का विचार रखती है तो क्या ये नहीं हो सकता कि सरकार अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए फिटनेस पुणे अपने ही DTO सेंटर पर कराना शुरू करें? अध्यक्ष महोदय ये फिटनेस के 2011 में भी ये व्यवस्था थी फिटनेस के नियमों में। यहाँ पर विधानसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, प्रश्नकाल यहाँ पर समाप्त हो गया है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही आपको ये भी बता दें इस बार जो प्रश्नकाल रहा है विधानसभा सत्र का, आज दूसरा दिन रहा, वो बेहद हंगामेदार यहाँ पर रहा है। इसी हंगामे के बीच में प्रश्नकाल की कार्यवाही पूरी हो गई है और जो हंगामा लगातार विपक्षी नेताओं की ओर से किया जा रहा है उसके मद्देनजर स्पीकर CP जोशी की ओर से 12 बजे तक कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो बेहद हंगामेदार आज का बजट सत्र का दूसरा दिन रहा। हालांकि इसी बीच में एक अच्छी खबर ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे विधायकों के मंत्रीगणों से जो प्रश्न यहां पर थे, जो सवाल थे अपने क्षेत्र को लेकर कि क्या कुछ योजनाएं चलाई जा रही है या बहुत सारे काम जो पहले से लगातार अटके हुए हैं उन्हें पूरा कब किया जाएगा, उसको लेकर एक तय सीमा यहां पर मंत्रीगण से पूछी गई तो वो यहां पर जवाब तमाम मंत्रियों की ओर से दिया गया। मंत्रियों ने बताया कि वाकई आने वाले दिनों में सरकार जो है जो काम अटके हुए हैं उन्हें जल्द ही पूरा किया जाएगा। बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने यहां पर एक वक्त भी दिया है कि इस वक्त के अंतर्गत जो भी काम वहां पर रुके हुए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार ने चलाई हुई है लेकिन अभी तक सही तरीके से वो धरातल पर नहीं पहुंच पा रही, तो उन योजनाओं को सही तरीके से धरातल पर पहुंचाने के लिए भी यहां पर विधायकों ने अपने मंत्रियों से सवाल किए। तो सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है।